मैं ये आपको करके दिखाऊंगी, ये एज इट इज सेम है, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिए मैं क्या करूंगी, इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूंगी। वन प्लस साइन एक्स है तो इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स से, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है बस बीच वाला साइन चेंज कर देते हैं। अब ऊपर मेरा बनता है वन माइनस साइन एक्स और नीचे बनता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन का स्क्वायर वन ही होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये आपका बनता है, ठीक है। ये क्या बनता है हमारा, वन माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोस स्क्वायर एक्स क्यों बनता है, क्योंकि देखो वन का स्क्वायर तो वन ही रहना है, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी होती है कोस स्क्वायर एक्स। अब मैं क्या करूँगी, एक क्वेश्चन हम ऐसा कर चुके हैं, हम यहाँ पे इसका क्या कर देंगे, एलसीएम ब्रेक। एलसीएम ब्रेक के साथ साथ मैंने इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दिया है। क्लास 12 के बच्चे हो, अब एक एक स्टेप तो लिख के दिखाने वाले हो नहीं आप, ठीक है। अब देखो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन को कॉस के साथ लोगे, जब साइन को कॉस के साथ लोगे तो आएगा टेन एक्स। और देखो मतलब एक कॉस को तो आप साइन के साथ ले लोगे और एक कॉस को आप अलग रख दोगे, ठीक है। तो एक साइन और कॉस तो हो गया आपका टेन एक्स और एक वन अपॉन कॉस हो गया आपका सेक एक्स डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका टेन एक्स माइनस टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका सेक एक्स प्लस आप एक कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे, ये आपका क्वेश्चन होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पे आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वन माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स नीचे बनेगा वो होता है साइन स्क्वायर एक्स, एलसीएम ब्रेक करेंगे इसमें आपका बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स और जो भी बनेगा कोसेक एक्स बनेगा। तो आपको दोनों के इंटीग्रेशन ही आते हैं, इसको खुद ट्राई कीजिएगा। ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।